अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबका नाम सर्वनाम। चैप्टर का नाम क्या है? सबका नाम सर्वनाम। इस चैप्टर में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम का अर्थ उसके नाम में ही छिपा है। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब आपको पता है नाम, तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, नेम ऑफ ऑल यानी कि प्रोनाउन। एक ही संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करना अटपटा लगता है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, एक पैराग्राफ था जिसमें बार बार एक बच्चे और उसके दोस्तों के नाम लिए जा रहे थे। बाद में उस बच्चे और उसके दोस्तों की जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है ऐसा क्यों किया गया था? जब हम एक ही संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य होता है या जो हमारा पैराग्राफ होता है वो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उन संज्ञा शब्दों की जगह अगर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पैराग्राफ की सुंदरता बढ़ जाती है। और जो शब्द हम उस संज्ञा शब्द को हटाकर लगाते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी का नाम। किसी के नाम की जगह हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करना अटपटा लगता है। इसीलिए वाक्य में संज्ञा के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वाक्य में जो संज्ञा होती है उसको हटाकर हम कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। अब नीचे जो उदाहरण हैं उनको पढ़िए। मेरा नाम सुनंदा है, मैं गुड़िया से खेलती हूँ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, पर्दे के पीछे कोई है, यह मेरी साइकिल है, वह रोहित की साइकिल है। आपने देखा होगा इन वाक्यों में कुछ शब्द जो हैं वो रंगीन किए गए हैं। देखते हैं ऐसा क्यों है। चित्रों में नामों के स्थान पर मैं, मेरा, मुझे, यह, वह, कोई आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में आपने देखा होगा कि संज्ञा शब्दों की जगह जहाँ पर आपको ये रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं इनकी जगह पर हमने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। कौन कौन से? मैं, मेरा, मुझे, यह, वह, कोई, इन शब्दों का प्रयोग किया है। यही शब्द क्या कहलाते हैं? यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा को हटाकर इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा को हटा दिया और हमने कुछ और शब्द लिख दिया लेकिन उसका मतलब निकलना चाहिए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। आपने एकवचन और बहुवचन पढ़े हैं ना, तो एकवचन और बहुवचन सर्वनाम शब्दों में भी होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है एकवचन और यहाँ लिखा है बहुवचन। मैं हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम अकेले होते हैं, लेकिन जब मेरे साथ कोई और व्यक्ति भी हो जाता है तो हम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हो गया एकवचन और हम हो गया बहुवचन। उसी प्रकार तू और तुम, यह और ये। अगर एक पेंसिल है तो यह पेंसिल और कई सारी पेंसिल हैं तो ये पेंसिल। उसी प्रकार वह और वे। अगर एक किताब है तो वह किताब और कई सारी किताबें हैं तो वे किताबें। इसी प्रकार मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, इनका। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एकवचन शब्द हैं, एकवचन सर्वनाम है, और ये वाले शब्द जो हैं वो एक बहुवचन सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। अभी मैंने बताया था जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम बोलते हैं। अब नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें संज्ञा को हटाकर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं
ये हैं संज्ञा वाक्य और ये हैं सर्वनाम वाक्य। तीन वाक्य यहाँ लिखे हैं, तीन वाक्य यहाँ लिखे हैं। पहला है श्वेता खेलती है। श्वेता और सुधा दोनों सहेलियाँ हैं। अगले महीने श्वेता की परीक्षाएं हैं। इन तीनों वाक्यों में बार बार श्वेता का नाम लिया गया है, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। श्वेता खेलती है, श्वेता और सुधा दोनों सहेलियां हैं, अगले महीने श्वेता की परीक्षाएं हैं। अगर हम श्वेता के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हर जगह एक अलग तरीके का सर्वनाम आएगा, जो हमको वाक्य के हिसाब से लगाना होता है। पहला है वह खेलती है। श्वेता खेलती है तो वह खेलती है। श्वेता और सुधा दोनों सहेलियां हैं। अब यहाँ पर श्वेता और सुधा के लिए हमने वे का प्रयोग किया, तो वे दोनों सहेलियां हैं। अगले महीने श्वेता की परीक्षाएं हैं। श्वेता की मतलब श्वेता एक लड़की है, उसकी, तो अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं। तो आपने देखा यहाँ पर श्वेता जो संज्ञा है उसकी जगह हमने जो शब्द इस्तेमाल किए वो हैं वह, वे और उसकी। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम को हम अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा और आदि। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। तो ये सारे जो सर्वनाम शब्द हैं ये हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। दूसरों के लिए जब हम दूसरे से बात करते हैं वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों के लिए जब हम किसी छोटे व्यक्ति से या उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम किन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे आदि। ये सारे सर्वनाम हम अपने से छोटे के लिए यूज़ करते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं। अपनों से बड़े के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आप, आपका, आपको, आपसे, आपके लिए। ये सारे शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं ये हम अपने से बड़े, जो हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। निश्चित नाम के लिए जब हमको पता होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं यह, इसका, ये, इसे, इन्हें, इनका आदि। जब हमें मालूम है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तब हम इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? यह, हमें मालूम है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह किताब है। क्या है किताब? इस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका, इसका नाम क्या है? आप किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करके, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके ही तो पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, तो हमें मालूम है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये, अब यहाँ पे कई सारी किताबें रखी हैं या काफ़ी सारी पेंसिल रखी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये पेंसिल किसकी हैं? हम इशारा करके बताएंगे, पूछेंगे ना कि ये सारी पेंसिल जो हैं वो किसकी हैं, तो हमको मालूम है। उसी प्रकार इसे, इन्हें, इनका, ये भी सारे क्या हैं? निश्चित नामों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम शब्द हैं। अनिश्चित नामों के लिए सर्वनाम शब्द कौन से इस्तेमाल होते हैं? किसी, कुछ, कोई, आदि। जब हमको मालूम नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन से सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? किसी, कुछ, कोई। सपोज करिए आप रात में घर पर हैं, आप और आपके भाई, और आपको लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, कोई आ गया है, तो आप क्या बोलेंगे अपने भाई से? कि किसी को बुला लाओ, यही तो बोलोगे। लेकिन किसको बुला लाओ ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप निश्चित नहीं हैं, अनिश्चित हैं कि आपको किसको बुलाना है। तो ये हो गया अनिश्चित नाम के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। उसी प्रकार कुछ, आप क्या बोलेंगे कि जैसे कि आपका बैग है, जो स्कूल बैग, इसमें कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या रखा हुआ है, तो आप निश्चित नहीं है ना, जानते नहीं हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार कोई, दरवाजे पर डोरबेल बजी, और क्या बोलेंगे आप मम्मी से कि मम्मी दरवाजे पर डोरबेल बज रही है, शायद कोई आया है, लेकिन कौन आया है हमको नहीं पता, कौन आया है हमें नहीं पता है ना। तो ये सारे शब्द वो होते हैं
जो हम अनिश्चित नामों के लिए, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारे शब्द हम संज्ञा के स्थान पर ही उपयोग करते हैं, संज्ञा को हटाते हैं और इन शब्दों को लगाते हैं। जैसे किसी को बुला लाओ, तो किसी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? चौकीदार को बुला लाओ, अंकल को बुला लाओ, पापा को बुला लाओ, तो ये सब क्या है? संज्ञा नाम ही तो है। अलमारी में कुछ है, तो अलमारी में क्या है? किताब है, कॉपी है, शायद चॉकलेट टॉफी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दरवाजे पर कोई है, अब दरवाजे पर कोई है तो दरवाजे पे आपके पापा हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और आखिरी है प्रश्न करने के लिए। जब हम प्रश्न पूछने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम क्या करते हैं? ये वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या, कौन, किसको, किसने, किसे। इन शब्दों को हटाकर ही हम संज्ञा का उत्तर, संज्ञा में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न वाले शब्द ऐसे होते हैं जिनको हटाकर हम संज्ञा शब्दों में उत्तर नहीं दे सकते। तो क्या की जगह हम, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे। तुम कौन हो, तुम बोलोगे लड़की हो। किसको बुलाना है, तो किसी संज्ञा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार इन सारे शब्दों के लिए हमें संज्ञा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संज्ञा को हटाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। गुड बाय।